की रही कि हॉकी में हम सेमीफाइनल में तो वो हालांकि जो इतनी गंदी अंपायरिंग हुई उसके बावजूद जीतना वो एक अपने आप में बहुत बड़ा पॉजिटिव था तो वो एक अगले दो तीन दिन के लिए एटलीस्ट वहाँ पर नजर रहेगी अगले हफ्ते इस हफ्ते में ओलंपिक्स का भी फाइनल है मतलब और नीरज चोपड़ा का भी मैच होगा और सब होगा तो थोड़े से इस हफ्ते मेडल्स की होप्स हैं तो ये एक अच्छी चीज़ है कल जो आई थिंक आशीष जो इस जनरेशन को शायद हॉकी में इतना इंटरेस्ट ना हो लेकिन जो हमारी जनरेशन है उसने जब वो एक देखा था एक जो हमारा पीरियड एक गोल्डन पीरियड से उस तरीके का जो फॉल देखा था उसके बाद हर ओलंपिक में हम अप करते थे कि पहुंचेंगे 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 और इस बार वाकई लग रहा है कि इस बार जो टीम है ये गोल्ड के लिए तैयार है वैसे आ, तो ये थोड़ी सी एक अच्छी चीज़ है इस और टीम को ऑल द बेस्ट गोल्ड लेकर आए बस ये होप है कि यहाँ से अच्छा चलिए अब बात करते हैं मार्केट की अच्छा मार्केट में एक चीज़ है मैं एक ऐड आता था, था ना पहले मज़ा फिर सज़ा ये वो वाला मामला चल रहा है इस समय मार्केट में इतनी ज़्यादा पार्टी हो गई थी हर जगह कि कहीं ना कहीं एक, एक, एक करेक्शन की ज़रूरत थी एक करेक्शन के लिए एक एक्सक्यूज़ चाहिए था हमको और वो एक्सक्यूज़ मिल गया कहीं ना कहीं से आना था वो एक्सक्यूज़ लेकिन वो मिल गया जैपनीज़ मार्केट की तरफ से मिला भले कहीं से भी आया हो जापान जैसा मार्केट दो दिन में नौ परसेंट गिरा अच्छा उससे पहले हम बात कर रहे थे कि जापान कितने बड़ी बुल मार्केट में वापस एंटर किया है दो दिन लगे उसको वापस करेक्शन टेरिटरी में आने में जापान को बेसिकली ठीक है अच्छा ग्लोबली हुआ क्या क्या मैं आपको एक दो चीज़ें बता रहा हूँ इंटेल का शेयर आशीष कल पता कितना गिरा है छब्बीस इंटेल जैसा शेयर छब्बीस गिरा एनवीडिया कितना गिर चुका है हाई से एनवीडिया इक्कीस परसेंट घिर चुका है हाई से जो हम बात कर रहे थे ट्रिलियंस डॉलर मार्केट कैप इक्कीस परसेंट एनवीडिया गिर चुका है अपने हाई से कल की एक और हाईलाइट क्या थी जो डेटा आया है वॉरन बफे ने एप्पल के 50 परसेंट शेयर बेच दिए हैं और अब वो कैश पर आ गए हैं इनफैक्ट वॉरन बफे के पास इस समय फेड से ज़्यादा यूएस ट्रेजरी बॉन्ड है आप सोचिए मतलब एक फेड के पास इतने ट्रेजरी बॉन्ड नहीं है जितने इस समय वारन बफे के पास हैं और ऑब्वियसली इन सब का इम्पैक्ट गोल्ड पर गोल्ड रिकॉर्ड हाई पर इंडिया में नहीं है क्योंकि वो ड्यूटी कट आ गया था लेकिन ग्लोबली रिकॉर्ड हाई पर और वॉलीटिलिटी यूएस मार्केट में तीन हफ्ते में डबल हो गई है हंड्रेड परसेंट यू एस वैक्स भागा है इनसे लेकिन दो अच्छी चीज़ें हमारी मार्केट के लिए पहला फेड को रेट जल्दी कम करने होंगे और दूसरा क्रूड सेवेंटी सेवन डॉलर के नीचे आना ये हमारे लिए एक बड़ा मैक्रो है लेकिन मैं ज़्यादातर फोकस करता हूँ ग्लोबल मार्केट के क्यूज़ का इंडियन मार्केट पर क्या इम्पैक्ट है यहाँ से ना तीन सीखें लेनी चाहिए आपको जो ये सारे क्यूज़ आए हैं उनसे पहली सीख क्या है कि हाई वैल्यूएशन स्टॉक से दूर रहें और करेक्शन कभी भी आएगी किसी भी कारण से आएगी लेकिन जब वो आएगी ना तब आपको एग्जिट नहीं मिलेगी उसका रीज़न क्या होता है उसके बाद हर कोई बेचना जाता है उसको जब तक वो चल रहा है तब तक फेवर में आपके लेकिन जब वो आपके अगेंस्ट जाना शुरू होगा तो फिर वो बहुत तेज़ी से जाएगा आपके अगेंस्ट मैं एक दो एग्ज़ाम्पल दे के गया था जब मैं छुट्टी पर गया था मैज़गांव डॉक और एच का मैं अभी भी उस पर इंटैक्ट हूँ कि उस तरीके के स्टॉक से तो आप बिल्कुल दूर रहें इस समय जहाँ पर इतनी ज़्यादा ओवर वैल्यूशन है ओवर वैल्यूशन कभी ना कभी आकर कहीं ना कहीं आकर आपको हर्ट करेगी हाँ ये चीज़ है कि जब तक वो ओवर वैल्युएशन चल रही है तब तक अच्छी चीज़ है लेकिन जब वो गिरना शुरू होता है तो इसी तरीके से गिरना शुरू होता है सेकेंड सीख और ये लाइफ के लिए सीख है जो चीज़ आप नहीं चाहते ना वो मत मांगिए यू में लोगों ने चाह था कि भाई इकॉनॉमी को कूल cool ऑफ करो इकॉनॉमी को कूल ऑफ करो वो फाइनली कूल ऑफ कूल ऑफ करते करते इतनी कूल cool ऑफ हो गई कि वो रिसेशन का रिस्क तो आग नहीं पकड़ आगे अब वो हाँ वो एक्जैक्टली exactly, तो इसके लिए और फाइनली इवेंचुअली दस साल के पीरियड में स्टॉक्स अर्निंग्स के हिसाब से चलेंगे तो इसके लिए जो लोग सोचते हैं कि नहीं अर्निंग्स कुछ मैटर नहीं करती इवेंचुअली अर्निंग्स के हिसाब से चलेंगे ऑब्वियसली बीच बीच में ऊपर नीचे स्टॉक्स होते रहेंगे अभी करना क्या है आपको अभी क्या करना है आपको कुछ समय के लिए दो सेक्टर्स पर आप फोकस कर सकते हैं आज फॉर एग्जाम्पल आप दो सेक्टर्स पर फोकस कर सकते हैं एक है एफ और दूसरे हैं क्रूड रिलेटेड प्लेस एच पी बी पी आई ओ सी पिडिलाइट एशियन पेंट्स और पीडिलइट और एशियन पेंट्स तो एफ प्लस क्रूड दोनों का तड़का है हिंदुस्तान यूनिलीवर मैरिको uh, मतलब इस तरीके के शेयर्स पर फोकस करें अभी कुछ टाइम के लिए यहाँ पर एटलीस्ट गिरावट कम होगी अगर गिरे भी तो गिरावट कम होगी और अगर चलने शुरू होंगे तो सबसे पहले मुझे लग रहा है कि यही स्टॉक्स चलेंगे mm -hmm. फार्मा फार्मा एक और डिफेंसिव आपके लिए सेक्टर हो सकता है फार्मा में नंबर्स भी अच्छे आए हैं कंपनियों के और वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है स्टॉक्स करेक्ट हो चुके हैं तो उसके लिए फार्मा एक और डिफेंसिव सेक्टर हो सकता है आपके लिए और पहले साइन मिलने लगे हैं बैंक निफ्टी में जो बड़ी अंडर परफॉर्मेंस चल रही थी उसको आउट परफॉर्मेंस में टर्न होने की उसका बड़ा कारण एच बैंक है लेकिन बैंकों में अब आपको एटलीस्ट वैल्यूएशन आपके फेवर में मिल रहे हैं तो बैंकिंग एक आपके लिए एक अच्छा एक सेक्टर हो सकता है अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आज एक मौका है निफ्टी ई में ऐड करने का और मेरा ये मानना है कि हर 250 से 300 पॉइंट की गिरावट में अपने हमने पिछली बार भी एक चीज़ अप्लाई की थी कि हर 200 पॉइंट के डिप पर 20 20 20 20 परसेंट ई टी एफ ऐड करें अब वही मौका है एक 20 परसेंट तो आपको आज ही मिल रहा है वो तो आप डाल ही दीजिए उसके बाद बाकी अस्सी को अपने पास रेडी रखिए अगर और मार्केट ढाई सौ पॉइंट की आपको गिरावट दे जो मुझे नहीं लग रहा कि आनी चाहिए लेकिन अगर आ गई तो वो आपको एक ऐसी पोजिशन में ले आएगा जहाँ पर आप को एक बहुत अच्छा आपका एक पोर्टफोलियो बन चुका होगा अच्छे प्राइस पर हाँ लेकिन ये नहीं हुआ कि उसके बाद तीन महीने बाद आप कहें कि अब मैं क्या करूँ ये आपके लिए अगर तीन साल का व्यू है तो उस हिसाब से ग्लोबल मार्केट करेक्शन हमेशा बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है बिल्कुल सही बाहर की वजहों से ग्लोबल इंड्यूस करेक्शन हमेशा एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी और वो डिप और सिप के फॉर्मूले की शुरुआत फिर से बढ़िया मौके हैं एटलीस्ट 20 परसेंट आप जितना रकम डालना चाहते थे निफ्टी ईटीएफ में इस समय डाली जा सकती है